तेलंगाना शहर में 29 अप्रैल को शहर के उपजिला अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉड्यूलर आईसीयू उपलब्ध होगा। इसकी गणमान्य अतिथियों द्वारा लोकार्पण होने वाला है। तब ट्रॉमा केयर यूनिट के जैसी मॉड्यूलर आईसीयू की आवश्यकता होगी। उपजिला अस्पताल में मॉड्यूलर आईसीयू में मरीजों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त 25 बेड वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें मरीजों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और नवनिर्मित तकनीक का इस्तेमाल यहां किया गया है। सीसीटीवी लगाया गया है ताकि मरीजों के परिजन अपने मरीजों को देख सके। एक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जहां मरीज के इलाज के दौरान लाइव प्रसारण के जरिए मरीज की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधा का मरीज को वास्तव में लाभ हो या नहीं, ऐसा सवाल निर्माण हो रहा है। हालांकि उपजिला अस्पताल के कुछ स्टाफ को इस मॉड्यूलर आईसीयू के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर उपजिला अस्पताल में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसे मॉड्यूलर आईसीयू के लिए वहां हृदय रोग विशेषज्ञ और एमडी मेडिसिन और कार्डियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टरों की निरंतर आवश्यकता होती है, जो स्वास्थ्य की मुख्य दुआ है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। वे भविष्य में उपलब्ध होंगे या नहीं, यह भी नहीं बता सकते हैं। तो क्या शहर के उपजिला अस्पताल में स्थापित मॉड्यूलर आईसीयू की वही स्थिति होगी जो लंबे समय से स्थापित ट्रॉमा केयर सेंटर यूनिट की है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब विशेषज्ञ डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियां जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। मैं डॉक्टर किशोर चाचरकर, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिला रुग्णालय हिंगणघाट, जिला वर्धा। आज सर्वांना एक खुश खबर देऊ इच्छितो की आमच्याकडे 25 बेडचं मॉड्युलर आईसीयू स्थापित झालेलं आहे आणि त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि त्याचा लोकार्पण सोहळा दिनांक 29 एप्रिल 2023 मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे। तर सध्या आपल्याकडे मॉड्यूलर आईसीयू सुरू करायला आवश्यक ते सगळे साहित्य संपदा जी आहे, औषध वगैरे आणि बाकीचं लागणारं जे साहित्य आहे ते उपलब्ध झालेलं आहे आणि स्टाफ पण आपल्याकडे आवश्यक तेवढा स्टाफ पण आहे। फक्त फिजिशियन डॉक्टर जे ते मेन डॉक्टर जे असतात, फिजिशियन एमडी मेडिसिन असलेले, ते सध्या उपलब्ध नाही आहे। परंतु शासनातर्फे उपलब्ध करणे लवकरात लवकर उपलब्ध होईल आणि आवश्यकतेनुसार आपल्याला आपला मॉड्युलर आयसीयू कार्यान्वित करता येईल। या प्रसंगी मी एवढे सांगू इच्छितो। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी योनुरकर की रिपोर्ट।